हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस लेक्चर सीरीज ऑफ दिस प्लेलिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने कलर्स और कलर्स कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके हमने दो एग्जांपल लिए थे। इनफैक्ट मैंने दो टाइप्स के बताया था आपको कलर कीवर्ड्स, जैसे कि पहला तो मैंने ट्रांसपेरेंट बताया था और दूसरा आपको करंट कलर बताया था, राइट। तो इस लेक्चर में उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा और बताऊँगा कि करंट इनहेरिट वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है, जो कि लास्ट टॉपिक मिस हो गया था। तो मैं जल्दी से एक बार आपको ये डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इनहेरिट कैसे यूज़ होगा, राइट। तो पहले तो बॉडी, और फिर इसके बाद सपोज़ मैं कोई डीआईवी टैग लेता हूँ, ठीक है। तो डीआईवी टैग ले लेते हैं और डीआईवी में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। सपोज़ आई एम वैभव, आई एम वेब डेवलपर, ओके। और सपोज़ मैं यहाँ पे एक स्पैन एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। स्पैन का मैंने यूज़ बताया था कि अगर हमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़, स्पेशल फीचर्स देना चाहते हैं हम किसी स्पेशल वर्ड को, सपोज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटरमीडिएट, ओके, आई एम इंटरमीडिएट वेब डेवलपर। तो स्पैन को अब हम कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे डीआईवी में साथ में स्टाइल दे देता हूँ अब, ओके। लेट अस सपोज़ मैं डीआईवी में पहले स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर एंड देन 2 पिक्सल्स, लेट अस सपोज़ ग्रुप, और फिर इसके बाद मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवर हो गया। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और साथ में मैंने स्पैन तो आइटम दे ही दिया है, ठीक है। तो इसको अब मैं सेव कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं हेड सेक्शन में भी इसमें स्टाइलिंग दे देता हूँ, हेड, और यहाँ पे सॉरी स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में मैं पहले तो मैं डीआईवी को एक ओके डीआईवी को मैं सेट करता हूँ। इसमें मैंने बॉर्डर में देता हूँ, हालांकि बॉर्डर तो मैंने पहले से दिया हुआ है, बट मैं एक बार बॉर्डर यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल्स और ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के बाद मैं इसमें रेड कलर, ठीक है। अब इसके बाद मैं स्पैन टैग लेता हूँ, ठीक है। स्पैन में क्या बता रहा हूँ, स्पैन में बॉर्डर इनहेरिट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें, इसको अब मैं ओपन करता हूँ, लेक्चर नंबर 51, 51.html। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो बॉर्डर था उसने इसको इनहेरिट कर लिया, किसको, आई एम वैभव, जो मेरा वो पहला वाला जो मेरा डीआईवी एलिमेंट है ना, उसके जो बॉर्डर फीचर है उसको इनहेरिट कर लिया है इंटरमीडिएट ने, जो कि स्पैन के अंदर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, सपोज मैं कह देता हूँ कि आप इसको डॉटेड कर दो, राइट। तो देखिए ये डॉटेड हो जाएगा, जबकि मैंने स्पैन में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि आप स्पैन भी आप भी डॉटेड रहो आप या आप ग्रुप रहो, ठीक है। लेकिन ये फिर भी उसको फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि मैंने कह दिया है कि आप स्पैन आपका बॉर्डर इनहेरिट है, तो आप वही फॉलो करोगे जो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा डीआईवी में, ओके। तो ये था इनहेरिट का डिस्कशन। तो यानी कि उसने पेरेंट एलिमेंट का अपना कॉपी कर लिया बॉर्डर फीचर। तो अब हम अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो मैं बताने वाला था आप लोग को। तो अगली प्रॉपर्टी है सीएसएस ग्रेडियंट्स के बारे में, राइट, कि हम कैसे ग्रेडियंट यहाँ पे सेट करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे एक डीआईवी में टैग ले चुका हूँ, ठीक है।
इसकी हाइट विड्थ डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे ग्रेडियंट फीचर को यूज़ करेंगे। सपोज़ मैं बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ यहाँ पे डीएवी में, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज सपोज़ मैं कह देता हूँ कि लीनियर रहेगी, राइट, यानी कि मैं एक तरह से मैं खुद ही इमेज को सेट कर रहा हूँ कि इमेज कैसे किस टाइप की रहेगी, राइट। तो इमेज को मैं कह देता हूँ कि लीनियर और फिर उसके बाद ग्रेडियंट। देखिए ब्रेस अपने आप आ गया, और ब्रेस में मैं कहता हूँ कि आप रेड और ग्रीन का मिक्सचर बना दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये देखिए क्या देखा आपने, ये जो डी आई वी टैग था ना, ये रेड और ग्रीन का मिक्सचर हो गया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, आप रेड ग्रीन नहीं, आप येलो रेड का मिक्सचर बनाओ, ठीक है। तो लेट अस सपोज येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्लू। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यह रेड और येलो कलर का एक तरह से बैकग्राउंड इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था लीनियर ग्रेडियंट। और साथ में मैं एक और टॉपिक कवर करता हूँ आपके आपके लिए, जो लास्ट लेक्चर में रह गया था कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये ग्रेडियंट्स में ही मैं लीनियर ग्रेडियंट बता चुका आपको। और अगर मैं रेडिकल ग्रेडियंट्स की बात करूँ, जो दूसरा टाइप का ग्रेडियंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि हम बीच में एक कलर के ऊपर फोकस करते हैं, राइट। तो ये थे लीनियर था। अब मैं कहूँगी नहीं भाई, लीनियर नहीं ग्रेडियंट हो जाए, रेडियल, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लीजिए, रेडियल होगी। और ग्रेडियंट मैं चाहता हूँ कि रेड रहे, येलो रहे और फिर रहे ब्लू। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो रेड है वो सबसे सेंटर में रहेगा, फिर उसके बाद येलो और फिर उसके बाद ब्लू बैकग्राउंड में रहेगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको। मैं और अच्छे समझा सकता हूँ कि अगर मैं इसकी हाइट वेट को थोड़ी इंक्रीज कर दूँ, ठीक है। तो डी आई वी में कहता हूँ कि हाइट विड्थ हो जाए 500 पिक्सल्स और विड्थ हो जाए 500 पिक्सल्स। अब आप इसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। चलिए रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये अब मैं क्या कहा, ये तो सन की तरह बन गया कि बीच में रेड रहेगा, फिर उसके बाद येलो एंड देन ब्लू कलर। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है। इसके बाद एक और ग्रेडियंट आता है जो कि लीनियर और रेडियंट के बाद कोनिक ग्रेडियंट्स। ओके, अब कोनिक ग्रेडियंट में किस तरह से हम सेट करते हैं, इसका भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली रेडियल की जगह पहले हमने यहाँ पे लीनियर लिखा, फिर रेडियल लिखा, अभी हम यहाँ पे कोनिकल लिखेंगे, ठीक है। कोनिकल ग्रेडियंट में क्या है कि इसमें सपोज से ही रहने देते हैं रेड येलो ग्रीन, और इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। वन सेकेंड, यहाँ पे कुछ होता है कोनिकल ग्रेडियंट, और सॉरी कोनिकल नहीं होगा, कोनिकल नाम है लेकिन इसकी स्पेलिंग कोनिक रहेगी। ओके, अब चलिए देखते हैं। यस, तो इसमें क्या देखा मैंने, जो मैंने क्या लिया था यहाँ पे, रेड येलो ब्लू। ओके, ठीक है। तो रेड कलर क्या हुआ, रेड येलो और ब्लू एक थोड़ा कोनिक टाइप का इसमें इफ़ेक्ट हम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, राइट। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप देखना चाहते हो कि नहीं, अगर हम यहाँ पे ग्रीन कलर कर दें तो क्या होगा, तो आप इसको सेव करिए सिंपली और यहाँ पे वॉच करिए, ठीक है। तो उसकी जगह ग्रीन हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको मालूम होना चाहिए, ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज़। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम CSS शेडोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बल्कि मैं एक एग्जांपल दे भी देता हूँ आपको कि CSS शेडोज़ दो टाइप के होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट शेडोज़ और दूसरा होता है
दूसरा होता है बॉस शैडो। तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।